हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 और मैं हूँ अपनी किचन में, बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मतलब टिफ़िन अपनी बेटी का, और उसमें मैं बना रही हूँ ये सूजी का चिल्ला। आज मिर्ची और धनिया पत्ती काट दिए, मैं आपको इसे बैक करने से दिखाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ अपनी नाश्ता, उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठा और आलू की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि उसको 2 टिफ़िन देना पड़ता है और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो और अभी मैंने पानी गर्म किया हुआ है और हमारी सुबह मेरी और मतलब मेरे हस्बैंड की, तो हम दोनों की सुबह होती है गर्म पानी से। तो ये गर्म पानी मतलब सिर्फ गर्म पानी नहीं है, वो शहद नींबू पानी, तो थोड़ा सा हेल्दी भी होता है और मैंने सुना है बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो इसमें मैं रखती हूँ नींबू। ये देखिए, तो इसमें मेरे नींबू है, तो मैं नींबू डाल दूँ और शहद, ये मैंने डाबर का यूज़ कर रही हूँ। और ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर घर का जो प्योर मतलब जो प्योर वो लोग निकालते हैं ना, वो लोग का हो तो ज़्यादा ही बेटर है। तो मैं बना दूँ शहद नींबू पानी अपने हस्बैंड के लिए। पहले मैं उसको बहुत पीती थी और असर भी करता था, तो जब लेकिन उसके बाद खैर कंटिन्यू हो भी नहीं पाता है। हम औरतों की यही प्रॉब्लम है कि पति बच्चे के लिए कुछ करना हो तो सब कुछ करेंगे, लेकिन खुद के लिए अगर कुछ करना हो तो फिर टाइम नहीं मिलता हमें, मेरे पास टाइम नहीं होता अपने लिए कुछ करने के लिए। तो ये लाइन स्क्वीज़र है जिससे मैं स्क्वीज़ करूँगी। मैं इसको बताऊँ आपको कि मैंने ले तो लिया, क्योंकि मुझे हाथ से नींबू निचोड़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इससे करने के बाद मुझे हाथ से निचोड़ना पड़ता है क्योंकि इससे अच्छे से रस निकलता नहीं है। हेलो, तो टिफ़िन विफिन पैक करके मैंने दे दिया और मैं आपको दिखा नहीं पाई कि चिल्ला कैसा बना था और आलू की सूखी सब्ज़ी कैसी बनी थी। वैसे ही नॉर्मली बना था चिल्ला, और थोड़ा सा अभी चिल्ले का घोल है, मैं अपने लिए जब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो मैं, या फिर लंच में थोड़ा सा है तो एक उसको कभी भी मैं बना दूँगी, लंच में बना दूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँगी। और आलू की सूखी सब्ज़ी थी बॉयल आलू की, और पराठा ये मैंने उसको दे दिया और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, क्योंकि उसका स्कूल बहुत लंबा चलता है और उसके स्कूल में 2 टिफ़िन देना पड़ता है, 2 या मतलब एक ड्राई फ्रूट को ले लीजिए तो 3, वैसे तो 2 ही कहेंगे, फ्रूट या ड्राई फ्रूट ऐसे देने होते हैं। तो अभी मैंने अपने तीज की तैयारी स्टार्ट कर दी है, और अभी तक कन्फ्यूज़न था कि संडे तीज है या मंडे तीज है, मतलब 1 या 2 तारीख में कन्फ्यूज़न था, बट कल मेरे पंडित जी ने और मेरी दीदी ने सबने क्लियर किया कि 2 तारीख की ही तीज है, तो मतलब 2 तारीख यानी मंडे को तीज है और तीज की तैयारी स्टार्ट हो गई। तैयारी स्टार्ट का मीन्स का मतलब क्या है कि हमें 2 नए कपड़े चाहिए होते हैं, एक शाम के लिए और एक अगले दिन सुबह के लिए। तो पता रहता है माइंड में पहले से ही कि हाँ तीज आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है, तो कपड़ों की तैयारी तो हो जाती है। जो छोटी मोटी तैयारियाँ होती हैं जैसे श्रृंगार लेना है, चढ़ाने के लिए लेना है, अपने लिए लेना है, दान के लिए लेना है, पूजा के लिए मतलब पहनने के लिए लेना है, वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी लेके आनी है। मैं लेके आऊँगी और मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ जो कि मेरे अगले वीडियो में, मैं उसको बार बार कह रही हूँ कि मैं अपने किसी वीडियो में इसको शेयर करूँगी, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत मेहनत जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है। जो लोग ऐसा काम करते हैं वो ज्यादा समझ सक रहे होंगे। और अभी मेरी हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अभी मैं उसको शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मतलब नहीं कर पा रही हूँ का 2 रीज़न है। एक तो वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और दूसरा ये है कि मैं उसको तब तक नहीं चाह रही हूँ उसको शेयर करना, क्योंकि ऐसी चीज़ों में देखिए तो टाइम लगता है थोड़ा सा। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि मैं है क्या,
तो मैं एक दिन आपको अपने ब्लॉग्स में अपने सारे DIYs दिखाऊंगी, और अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको मैंने कैसे बनाया है, मैं उसका, वैसे तो मैंने जो चीज़ें मैं बना चुकी हूँ उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर फिर से बना के उसका वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो अभी के लिए ये दिख रहा है आपको, एक पीकॉक है, मतलब ये देखें, इसको मुरल पेंटिंग कहते हैं, जो क्ले आर्ट है। और ये पिस्ता है, मतलब पिस्ता के सेल्स से मैंने इसका फ्रेम रेडी किया है, और अभी इसके फ्रेम को पेंट करना बाकी है और इसमें थोड़ी डिटेलिंग बाकी है। आपको दिख रहा है अच्छे से? तो ये आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग, वैसे तो मैं इसका वीडियो शेयर करूँगी अपने चैनल पे, बट मैं चाह रही हूँ यार कि थोड़े से लोगों के पास नोटिफिकेशन जाने स्टार्ट हो जाए। जो लोग पहले मेरे ब्लॉग्स देखते थे उन लोग के पास तक नोटिफिकेशन मुझे नहीं लग रहा कि पहुँच रही है, या फिर हो सकता है पहुँच रही हो, उनके पास टाइम नहीं हो, या फिर बहुत रीज़न हो सकता है। बट जब मतलब वीडियोज़ के नीचे पता चलती है ना, जब उसको आप पब्लिश करेंगे उसके कुछ दिन बाद पता चल जाती है कि नोटिफिकेशन कितने परसेंट जा रही है। तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अभी सिर्फ 25 से 30% ही जा रही है, बहुत नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ की नहीं जा पा रही है। क्योंकि कल मैं एक जन का, मतलब एक है उनका ब्लॉग मैं देख रही थी, उसके नीचे मैंने कॉमेंट किया था, तो किसी मेरी एक सब्सक्राइबर ने, कीर्ति शर्मा जी ने मुझे कमेंट किया कि आप कहाँ हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। और पता नहीं कैसा था, मुझे नोटिफिकेशन तो आई उनके कमेंट की, पर मैं जब वहाँ पे गई कि मैं उनको कमेंट रिप्लाई करूँ कि हाँ मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, आप उसको चेकआउट कर सकती हैं, तो मुझे उनका कमेंट वहाँ नहीं मिल रहा है, और सिर्फ वो मेरे नोटिफिकेशन में ही है। या तो वो जिनका चैनल है उन्होंने हाइड, मतलब जो भी रीज़न होगा आई डोंट नो। तो मैं वहाँ पर मैंने कमेंट छोड़ा, तो होप सो कि उनको मिल जाए, और होप सो कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबको मिल जाए, क्योंकि मैं भी यार बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों के बाद। यार सच में अमीरी के बाद गरीबी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। एक समय ऐसा था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे और मेरे ब्लॉग्स पे 2500-3000 व्यू आते थे। तो आप अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स आप देख सकते हैं, उस पर हैं व्यूज़। और जाहिर सी बात है, जब आप काम नहीं करोगे तो फिर आपको नाम नहीं मिलेगा। तो मैंने भी अपने वीडियोस, मेरे चैनल पे वीडियोस बनानी बंद कर दी थी, लगभग 2 साल के बाद मैं फिर से वीडियोस बना रही हूँ। तो टाइम लगेगा मुझे, मुझे लग रहा है मैं फिर से जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे हैं। बहुत मुश्किल से जब वो 100 पे भी पहुँच जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो कम से कम 100 लोगों तक तो पहुँची है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर इस, ये जो पीकॉक मुरल पेंट है, अगर इसका वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मैं उसको जल्दी अपलोड करूँगी, और अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो अपलोड तो मैं करूँगी, पर कुछ दिन बाद करूँगी, जैसे मेरे वीडियोस पे व्यूज़ थोड़े आने लगे, थोड़ा मेरे लोगों के तक नोटिफिकेशन जाने लगे, तो मैं इसका अपलोड करूँगी। तो मैं बात करी थी तीज की, तो तीज सोमवार की है। पहले मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि तीज संडे की है, और आप लोगों को पता है कि संडे का दिन, बाबा रे, संडे के दिन बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। और तीज के दिन जो निर्जला व्रत होता है, निर्जला उपवास होता है, और जो हरियाली तीज होती है, आई थिंक उसमें शाम को पानी पी लेते हैं या फिर खा लेते हैं करवा चौथ की तरह। लेकिन जो हरितालिका तीज होती है, जो कि 2 सितंबर को पड़ने वाली है, वो निर्जला होती है। बहुत जगहों पर पानी पिया जाता है और बहुत जगहों पे नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद शिव पार्वती जी की, उसके बाद ही पानी किया जाता है। तो हरितालिका तीज है हम करेंगे, और मैं उसके लिए क्या क्या लेके आऊँगी मैं उसको, वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। हेलो, तो सारा काम हम निपटा के मैंने आपको, मतलब मेरे, मतलब ब्रेकफास्ट के समय से, यानी कि मॉर्निंग के समय मैंने आपसे बात करी थी, लगभग 8:45 का टाइम हो रहा था, 8:45 का टाइम हो रहा था, हाँ शायद 8:45 का ही टाइम हो रहा था, जब मैंने आपसे बात करी थी कि मैं उस वक्त मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि मैं उनको ब्रेकफास्ट दे दूँ। उसके बाद घर के सारे काम, जैसा कि आप लोग को पता है सबके घर में वही काम होते हैं, मैंने मतलब, और तो ऊपर वाला तो साफ़ सफाई होता है ना, बिस्तर चेंज करना, मतलब झाड़ना और सारी चीज़ें अरेंज करना, वो सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसके पहले मैंने कर ली थी।
और फिर उसके बाद मैं हस्बैंड गए, उसके बाद झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, और उसके बाद नहाना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन पे बात करने लगी अपनी बहनों से, और फिर उसके बाद कपड़े सूखे हुए थे उनको उतारना, मतलब काम आप समझ रहे हैं ना, बहुत होते हैं घर में, हो जाता। और मैं यहाँ फर्श पे लेटी हूँ, मुझे यहाँ फर्श पे लेटना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको दिखाऊँ मैं, ये क्लचर रखा है मेरा, मुझे फ़र्श पे लेटना बहुत अच्छा लगता है, खासकर गर्मी के दिनों में ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। और बेडरूम में मैं दिन के समय में जाती नहीं हूँ, बस उसको सेट किया, सजाया, संवारा, उसके बाद उसमें रात को ही मतलब सोने के लिए जाना होता है, मैं दिन में नहीं जाती। और अगर फर्श पे नहीं सोना, जैसे बीच में यहाँ कुछ दिनों बहुत ठंड हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो भी मैं यहीं सोती थी और यही फ़र्श पे ही सोती थी, बिना कुछ बिछाए ब्लैंकेट ले लेती थी। तो फिर अभी लंच वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 2:45, तो लंच बहुत मतलब बहुत पहले ही हो गया था, 1:30 बजे करीब लंच हो गया था। मेरे हस्बैंड आए थे लंच करने के लिए, लंच करने के बाद वो ऑफिस चले गए। और मैं जो आपको मैंने दिखाई ना पीकॉक वाली जो मुरल आर्ट जो पेंटिंग थी, वो अधूरी रह गई थी, तो मैं उसको पूरा करने के लिए लग गई। और अभी मैंने बर्तन नहीं करे हैं, बर्तन किचन में पूरा ऐसे पड़ा हुआ है लंच का, और सुबह का तो सारा क्लीन हो गया था ब्रेकफास्ट वाला, तो ये लंच के समय वाला पड़ा है, मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ। बट आज वो चूँकि मैं पेंटिंग कर रही थी और वो दिमाग में मेरे चढ़ा हुआ था कि उसको ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, ख़त्म करना है, और काम में लग जाती ना तो फिर वो रह जाता, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको ख़त्म कर लूँ पहले। और अभी मैं ऐसे लेट गई, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सो लेती हूँ, बट सोने का क्या है कि नींद अगर आ गई तो मेरी नींद खुलेगी नहीं 4 बजे तक, क्योंकि 3 तो बजने ही वाले हैं, और 4 से 4:20 मतलब 4:20-4:25 तक पीहू आ जाती है स्कूल से, तो अगर आँख नहीं खुलेगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे नीचे जाना पड़ता है उसको लेने के लिए, क्योंकि अभी हम उसको लिफ्ट में अकेले अलाउ नहीं करते हैं आने के लिए, और बैग बहुत हैवी होता है, तो इतना ऊपर सीढ़ी से वो बैग लेके चढ़ नहीं पाती है। तो बस, और अभी चूँकि मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं तीज की साड़ियाँ अपनी निकाल रही हूँ और कपड़े, तो अभी मैंने मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया उसको निकालने का, इसलिए मैंने निकाला नहीं उसका उसको। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी आपको, मैं जब उसका पूरा मतलब चूड़ी वगैरह का सारा चीज़ मैं सेट करके रख दूँगी, और जो भी मुझे शॉपिंग करनी है वो भी मैं करके लेके आऊँ, फिर मैं इकट्ठे आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ ना, मतलब साड़ी और क्या मुझे मतलब चढ़ाना है जो दिया जाता है ना, दान करते हैं वो, और अपने लिए भी श्रृंगार चढ़ाते हैं हमारे में, तो वो सारी चीज़ें, और हम मतलब मुझे क्या क्या चढ़ाना है वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँ, और इकट्ठे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारी चीज़ें। फिर आज साड़ी दिखाती, फिर एक बार मन में ऐसे आया कि मैंने बोल तो दिया है, फिर मुझे लगा कि आज साड़ी दिखाऊंगी, फिर कल ऐसे 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 रोज़ एक एक चीज़ देख के सब बोर हो जाएंगे, तो मैं अगली वीडियो में अपने आपको अपनी चीज़ें दिखा दूंगी। और हो सके तो मैं एक हाथ में मेहंदी भी लगा लूँ तब तक, हो सके तो, कन्फर्म मैं नहीं हूँ क्योंकि मंडे की तीज है, तो हो सके तो मैं संडे को भी मेहंदी लगा सकती हूँ। और आज अभी मेहंदी लगा के करना क्या है, संडे को लगाऊंगी तो तीज के दिन अभी थोड़ा सा सही से ही रहेगा। तो ठीक है, फिर मैं अपनी पेंटिंग आपको दिखा दूँ जो कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं तुरंत उसको अपलोड करूँगी अपनी इस वाली पेंटिंग को, मतलब इसका जो ट्यूटोरियल है मैंने शूट किया, मतलब जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई जो मैं आपको एक वीडियो में दिखाने वाली हूँ, माई DIYs, और जिससे मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में एक सिंगल चीज़ जो जिसे आप कह सकते हैं वो मार्केट से ख़रीदी हुई नहीं रखी है, जो भी मतलब जो डेकोरेशन आइटम्स होती हैं वो सारी की सारी मेरी DIYs हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरे अड़ोसी पड़ोसी या मतलब जो भी लोग आते हैं फ्रेंड्स सर्कल सबको बहुत ही अप्रिसिएट करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, मतलब सबको, अपने फ्रेंड्स वगैरह को मैं उसके पिक शेयर करती हूँ कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, तो सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। तो
उन्होंने ही मुझे बोला कि जब तुम्हारा चैनल है, तुम वीडियोस बनाती हो, तो ये सब जो चीज़ें तुम बना रही हो तो इन सब का भी वीडियो शेयर करो, क्या पता किसी को अच्छी लगे और कोई करना चाहे। तो मैं अभी आपको दिखा दूँ अपना पीकॉक। उठ जाओ, पहले मेरे बाल ऐसे देखो बिखर गए हैं। वो पेंटिंग आपको दिख रही है, वो भी मैंने खुद बनाई हुई है। तो मैं जिस दिन अपने पूरे DIYs दिखाऊंगी ना, DIY से ऑर्गेनाइजेशन, उस दिन मैं आपको वो पेंटिंग बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। बहुत प्यारी पेंटिंग है वो। और वो एक साइड टेबल है जिस पे मैंने सब रखा है, वो साइड टेबल भी मेरा DIY है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मैंने यहाँ पे फ्लावर मतलब फूल लगा के रखे हुए हैं। ये जो मैंने फूल लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, ये भी DIY है। और ये बहुत प्यारा लगता है रात में इसमें, मतलब ये DIY फ्लावर पॉट कम लैम्प कह सकते हैं इसको, इसमें पूरा मतलब पूरी ऊपर तक लाइटिंग होती है। तो मैं आपको एक वीडियो में मैंने वो शेयर किया है, उसका छोटा सा क्लिप, कौन सी वाली वीडियो में, रक्षाबंधन के समय वाली वीडियो में मैंने उसका छोटा सा क्लिप शेयर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरे रक्षाबंधन की तैयारी, मेरे त्यौहार का दिन कैसा रहा, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको उसकी छोटी सी क्लिप दिख जाएगी और मैं अपने एक वीडियो में आपको पूरा शेयर करूँगी उसको। और अभी ये कैसा है, ये देखिए कैसा लग रहा है। तो ये कैसा लग रहा है आप लोग मुझे जरूर 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 बताइएगा। खांसी हो रही है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो ये कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिसने मुझे नहीं बताया ना ये कैसा लग रहा है, जो भी जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, 100, 50, 10, 20, और हाँ अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है तो ये सबको अच्छा लगे, और ना ही ऐसा कोई बंदिश है कि नहीं आपको अच्छी लगनी ही है। तो लेकिन अगर किसी ने नहीं बताया तो मुझे ज़रूर पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो पूरी नहीं देखी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। ठीक है, फिर मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों से आप मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय।